हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पेडागोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस की जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट सेवन है और ये आपको बीएड और एमएड दोनों में पढ़ाया जाता है तो आप उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट uh, टॉपिक है सो व्हाट इज़ पेडागोजी द वर्ड पेडागोजी इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ़ द ग्रीक वर्ड पेडागोगिया इट्स सेल्फ सिंथेसिस ऑफ एगो मीन्स आई लीड एंड पे पैडोज़ मीन्स बॉय और चाइल्ड हेंस टू लीड अ चाइल्ड पेडोगोजी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है पैडोगिया से जो ख़ुद में दो वर्ड में है मीन्स एगो एंड पेडोज पेडोज मींस होता है बॉय या चाइल्ड आप कह सकते हैं और एगो मीन्स होता है आई लीड मीन्स पेडोगिया मीन्स टू लीड अ चाइल्ड मतलब बच्चे को किस तरह से लीड किया जाए या किस तरह से पढ़ाया जाए या समझाया जाए उस चीज़ को पैडोगोगिया कहते हैं या पैडोगोजी कहते हैं सो पैडोगोजी इज़ अ टर्म डेट रेफर्स टू द मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच इन थ्योरी और इन प्रैक्टिस तो पैडोगोजी क्या है ये वो टर्म है जिसका मतलब होता है कि किस तरह से टीचर्स पढ़ाए चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल ठीक है तो ये क्या है इट्स अ साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन ओके इट्स अ स्टडी ऑफ बींग टीचर ये एक स्टडी है जिससे एक इंसान टीचर बन सकता है मीन्स ये एक तरीका है कि यह एक ये डिसप्लिन है जिससे जो कोई भी इंसान या व्यक्ति है वो टीचर बन सके ओके अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर पेडोलॉजी इज द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड स्पेशल एजुकेशन मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है ये एक आर्ट साइंस और प्रोफेशन है ऑफ़ टीचिंग स्पेशली एजुकेशन एजुकेशन को किस तरह से पढ़ाया जाए इस प्रोफेशन ये क्या है ये एक प्रोफेशन है उस चीज़ का कि टीचिंग किस तरह से की जाए ओके okay. तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका या एक साइंस बताती है वे ऑफ टीचिंग के लिए ओके okay. द डेफिनेशन कवर्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग बट पेडोलॉजी रियली कम्स डाउन टू ए स्टडिंग टीचिंग मेथड्स मतलब टीचिंग मेथड्स किस तरह की होनी चाहिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें इनटू टू कंसिड्रेशन लेनी चाहिए जैसे कि लर्निंग uh, थ्योरीज़ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो जो जैसा एज है बच्चे का उसके हिसाब से हमें पढ़ाना है तो ये सारी चीज़ों को कंसिड्रेशन हम पैडोलॉजी के अंदर लेते हैं मीन्स ये एक साइंस है ये एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसको देखते हुए उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखते हुए उनके क्लास को देखते हुए ओके okay, तो ये पैडागोजी है पेडागोजी इज ऑफन डिस्क्राइब ऑफ टीचिंग ये क्या है इट्स है दैडागोजीड बाई टीचर्स शेप्स एक्शन जजमेंट एंड अदर टीचिंग स्ट्रेटजीज बाई टेकिंग टू ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड देयर नीड्स एंड द बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट ऑफ़ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये क्या है ये पेडोलॉजी क्या अडॉप्ट करता है कि टीचर्स जो है क्या, अपने मतलब अपने एक्शंस को शेप करे जिससे बच्चे के एक्शन शेप हो के वो जब भी पढ़ाएगा वो क्या, क्या कंसिड्रेशन को लेके चलेगा थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत सारी थ्योरी ऑफ लर्निंग है आपने पढ़ी भी होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट क्या बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसकी नीड क्या है बैकग्राउंड क्या है बच्चे का बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है वो किस तरह की टीचिंग में इंटरेस्ट है क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे क्या स्ट्रैटी यूज़ करेंगे कि बच्चा आसानी से इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को समझ सके उस पढ़ाई को उस कंटेंट को जान सके ओके okay. तो अब बात करते हैं हम पेडोगोजिकल एनालिसिस की तो सबसे पहले सवाल आता है एनालिसिस वॉट इज एनालिसिस अनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग और सेपरेटिंग अ थिंग इन टू इट्स स्मॉलर पार्ट्स एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूट्स तो एनालिसिस क्या है एनालिसिस मीन्स किसी चीज़ को तोड़ना ब्रेक करना इंटू स्मॉलर पार्ट्स एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूंट्स ठीक है इट्स अ पॉजिट ऑफ सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को जोड़ना तो एनालिसिस मीन्स टू ब्रेकिंग इट अप ओके तो पेडोलॉजिकल एनालिसिस मीन्स क्या हुआ कि पढ़ाई जो हम कंटेंट पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ाना ताकि जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो हो सके वो या, या एक बार में वो लेंदी ना हो पाए है ना ताकि वो बच्चा जो है उसे आसानी से समझ पाए अगर हम एक बार में ही सारे का सारा करिकुलम और कंटेंट पढ़ा देंगे तो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्या होगा वो बाहर हो जाएगा वो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा तो पेडोलॉजिकल एनालिसिस क्या होती है अपने कंटेंट को जो आप पढ़ाने वाले हैं उसको सिस्टमेटिक वे में साइंटिफिक वे में ब्रेक करना ताकि जिसे पढ़ाया जा रहा है वो उस चीज़ को आसानी से समझ सके ओके okay. अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि pedagogical एनालिसिस मीन्स द तो लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकली ब्रेकिंग अप ऑफ द करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ pedagogue फॉर द पर्पज ऑफ इट्स effective ट्रांजेक्शन ओके जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ब्रेकिंग है और किसका करिकुलम का क्या जहन में रखते हुए पेडागॉग को पेडोगोग मीन्स चाइल्ड को फॉर द पर्पज़ ऑफ इट्स इफेक्टिव ट्रांजेक्शन ताकि एक इफ़ेक्टिव ट्रांजेक्शन एक इफेक्टिव टीचिंग हो सके ओके तो वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडोलॉजिकल एनालिसिस? टू एनालाइज द करिकुलर कंटेंट इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट्स। क्या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम करिकुलर जो है उसको मीनिंगफुल कॉम्पोनेंट में एनालाइज कर सकें समझ सकें और पढ़ा सकें टू एंटिसिपेट कॉम्प्रहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर इच कॉम्पोनेंट और अगर हम पेडोगोजिकल अनालिस करेंगे मीन्स अगर हम कंटेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो हर एक उस कं जो ब्रेक कंटेंट है उसको देख कर उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को जहन में रख कर अगर पढ़ाएंगे मीन्स अगर हमें आ, कोई एक टॉपिक है आ, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक ले लें अभी हम पेडोगोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं अगर हम एक बार ही इसके मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग भी बढ़ाने लगे इसी के अंदर तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा लेकिन आज हम आपको पेडागोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस दो कंटेंट लेके पढ़ाएं तो ये इजी है ओके okay, तो इसके बाद आता है टू आइडेंटिफाई द प्री रिक्विजिट इन द करिकुलर एरिया ठीक है हर करिकुलर uh, एरिया के प्र क्या है मीन्स अगर हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज सोशल साइंस में हम पढ़ाने जा रहे हैं वॉलैनो तो वॉलैनो को पढ़ाने के लिए इसमें और क्या प्रीवियस चीज़ें ज़रूरी है बच्चे के लिए जानना और अगर वो हमें पढ़ाना है तो अभी हमें उसके लिए क्या ज़रूरत है हो सकता है हमें डिमॉन्सट्रेशन की ज़रूरत हो उसके लिए वॉलैनों के छोटे मॉडल्स आते हैं वो लाने होंगे तो वो सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं अगर हमने कंटेंट को डिवाइड कर रखा है और यही इससे पहले कभी यही समझ दी जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या जहन में हमें रखना है क्या वालकैनो को पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा हाँ तो इस, इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चा उस वालकैनो क्या होता है उसे समझ सके वालकैनो के प्रोसेस क्या हैं कहाँ कहाँ वॉलकैनो आ सकता है वॉलकैनों के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसका तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स टू डिज़ाइन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस एंड कंटेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को हम डिफरेंट स्टेज और कंटेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाते हैं ठीक है टू एंटिसिपेट स्ट्रेटजीज फॉर कंटीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन अगर कंटेंट uh, प्रॉपर तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है तो ये हमें हेल्प करता है सी सी में भी मीन्स कंटीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेलुएशन में हम प्रॉपर तरीके से सबमेटिव इवेल्युशन भी ले लेते हैं फॉर्मेटिव एवेल्युशन भी ले सकते हैं मीन्स जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से क्वेश्चन प्रोप कर रहे हैं ओके okay? और आसानी से हम अपने जहन में भी उस चीज हम हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो भी हम उन चीज़ों को डाल लेते हैं कि हाँ ये कंटेंट पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से सवाल को करना है इसे पढ़ाने से पहले क्या सवाल करना है इससे पढ़ाने के बाद हमें एज ए रिकेपिचुलेशन क्या क्वेश्चन करने हैं तो ये होता है ऑब्जेक्टिव अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इसका फ़ायदा क्या है टीचर कैन टेक स्टेप टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इसे पढ़ाने के मतलब अगर कंटेंट को डिवाइड करके पढ़ाया तो वो एक उसके वक्त मिल सकता है बच्चों को पढ़ाने में वो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है टू हेल्प अ टीचर टू अडॉप्ट लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन दूसरी बात यह कि लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा छोटे छोटे कंटेंट को वो पढ़ाएगा तो ज़्यादा टाइम में वो अच्छे से चीज़ों को पढ़ा पाएगा या कम वक्त में वो चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा मतलब जितना टाइम है उस टाइम में वो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होगी इट मेक्स द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मोर सिस्टमेटिक एंड कंटेंट अप्रोप्रिएट ये इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को सिस्टमेटिक बनाता है अप्रोप्रिएट कंटेंट को रखकर या या कंटेंट को अप्रोप्रिएट कर देता है इट हेल्प्स अ टीचर टू डिज़ाइन अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर इमीडिएट फीडबैक डायग्नोसिस एंड रेमिडिएशन ये टीचर को हेल्प करता है प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करने में जिस मतलब इमिडिएट फीडबैक के लिए डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन के लिए बहुत टीचिंग में रिमीडियल क्लास की जरूरत होती है तो हमें बच्चों के बारे में कैसे पता चले कि हाँ इस बच्चे को इस कंटेंट में प्रॉब्लम है या इन कंटेंट में प्रॉब्लम है जब तक वो हर एक कंटेंट को डिवाइड नहीं करेगा ओके फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें Uh, कुछ और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि फार्मिंग बता पढ़ानी है अब हम फार्मिंग में सारे फार्मिंग उसी दिन अगर पढ़ा देंगे कि पी कल्चर होता है हॉर्टिकल्चर होता है ओके okay, एग्रीकल्चर होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो लेकिन हाँ अगर हम आज हमने एग्रीकल्चर पढ़ाया कल हम हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे हैं और बच्चा अगर हॉर्टिकल्चर नहीं समझ पा रहा है तो ये चीज़ हमें तब पता चलेगी जब हमें पता होगा कि हाँ जिस दिन हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था जिस दिन हमने हॉर्टिकल्चर का इवेल्यूशन लिया मतलब तो, टेस्ट लिया था उस दिन वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था लेकिन अगर हम एक ही दिन हम सारी क्लासेस ले लेंगे ओके एग्रीकल्चर की भी बेसिक कल्चर की भी हॉर्टिकल्चर की भी तो क्या होगा कि जब हम उसका टेस्ट लेंगे या उस दिन जब हम उससे Uh, मतलब रिकैपिचुलेट uh, करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये जानना कि हाँ बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है ठीक है तो फीडबैक के लिए डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन के लिए ये मदद करता है या प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करने में टीचर की मदद करता है ओके इट हेल्प द टीचर टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर इवेल्युएशन प्रोसीज़र ये हेल्प करता है टीचर को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉपर इवेलुएशन प्रोसीजर है ना कि कौन सा टेस्ट इस इस कंटेंट के लिए अच्छा होगा ठीक है और किस तरह से इस पर मार्किंग करनी सही होगी वो कंटेंट के अकॉर्डिंग वो इवेल्यूशन प्रोसीजर को इस्तेमाल कर सकता है टीचर ओके okay. फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस की क्या एलिमेंट होते हैं पेडोलॉजिकल एनालिसिस की सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस देन फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देन सेलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड देन सिलेक्शन ऑफ इवेल्यूशन डिवाइस और यही यही साइकिल जो है वो घूमती रहती है हर कंटेंट को लेकर फिर से कंटेंट एनालिसिस होता है फिर फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है फिर सेलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड एंड देन सेलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन डिवाइस तो हर एक इस मेथड uh, में सिस्टम में क्या क्या होता है अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कंटेंट एनालिसिस क्या होता है मीन्स अनालिसिस ऑफ द कंटेंट ओके मीन्स द ब्रेकिंग द कंटेंट ऑफ द कोर्स और सब्जेक्ट इन टू इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेजर और माइनर सेक्शन सब सेक्शन यूनिट्स एंड सब यूनिट्स मेजर कॉन्सेप्ट एंड माइनर कॉन्सेप्ट टॉपिक एक्सेप्ट कैन बी कॉल्ड एज कंटेंट अनालसिसिस कंटेंट एनालिसिस मतलब क्या वो कंटेंट को तोड़ना है जैसे कि हमने बताया पेडोलॉजिकल एनालिसिस का मेन मतलब ही यही होता है कंटेंट को तोड़ना पढ़ाई के लिए पढ़ाने के लिए तो कंटेंट एनालिसिस मतलब कंटेंट को मेजर एंड माइनर सेक्शन में तोड़ना उसके सब सेक्शन में तोड़ना यूनिट सब यूनिट में तोड़ना ठीक है मेजर कॉन्सेप्ट माइनर कॉन्सेप्ट टॉपिक में उसे ब्रेक करना ओके okay. दैन फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अब जब हमने कंटेंट को तोड़ लिया उसके बाद हम क्या करेंगे उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे ठीक है तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को क्या हमें जहन में रख के बनाना है द टीचिंग प्रोसेस शुड भी अफेक्टिव बेस्ड ऑफ ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ओके एंड आ टीचर शुड हैव थॉर नॉलेज ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ बिहेवरल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ ब्लूमस्ट एक्सटोनोमी एंड अदर वेरियस अप्रोचेज बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के लिए जिसमें से बहुत फेमस जो है वो ब्लूम्स ट्रोनॉमी है आपने आप जानते होंगे कोर्ग्नेटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन ठीक है साइकोमोटर डोमेन तो ये तीनों डोमेन को जहन में रख कर हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाना होता है देन टीचर्स अप्रोच ऑफ़ फॉमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टू बिहेवियल टर्म्स शुड बी लर्नर सेंटर और ये जो uh, हम बनाएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए टीचर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द कंटेंट कंटेंट के रिलेटेड उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और मास्टरी बहुत ज़रूरी है टीचिंग में ही शुड पुट द सब्जेक्ट मैटर इन प्रोग्रेसिव सिक्वेंस एंड शुड नो द डोमेंस एंड लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग ओके सब्जेक्ट मैटर को वो प्रोग्रेसिव लेवल में सीक्वेंस में डाले सिस्टमेटिक वे में डाले और लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसे पता होनी चाहिए डोमेन्स पता होनी चाहिए ओके सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स व्हेन द स्टूडेंट केम इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट मैटर टीचर गिव नॉलेज अबाउट द कंटेंट और कॉन्सेप्ट आई सेलेक्टिंग द मैथड्स टेक्निक्स और स्ट्रैटीज विच आर बेस्ट ऑफ टीचिंग दैट टॉपिक जब स्टूडेंट कॉन्टेक्ट में आता है टीचर के और उस सब्जेक्ट मैटर के तो टीचर क्या करता है उसे ट्रांजेक्ट करता है पढ़ाता है ठीक है बाय सेलेक्टिंग सम मैथड बहुत सारे मैथड्स ऑफ टीचिंग हैं जैसे कि लेक्चर मैथड डिस्कशन मैथड है न और भी डिमॉन्सट्रेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड तो वो कौन सा मेथड उस कंटेंट के लिए अच्छा होगा पढ़ाना तो वो मेथड वो सेलेक्ट करता है टेक्निक और स्ट्रेटजी लाइक टीचिंग एड्स यूज़ करेगा और और लाइक स्लाइड्स like यूज़ करेगा और बहुत सारे तरीके हैं ठीक है जो उस कंटेंट के लिए अच्छा होगा उस टॉपिक के लिए अच्छा होगा उसको वो जहन में रख के उसको वो लेकर उसे पढ़ाएगा ठीक है अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी जैसे कि यूज़ ऑफ़ वेरियस टीचिंग स्किल्स इन हिज टीचिंग टीचिंग स्किल्स यूज़ करेगा सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ़ बेस्ट टीचिंग मेथड टेक्निक फॉर टीचिंग टीचिंग मेथड टेक्निक यूज़ करेगा यूज़ ऑफ़ वेरियस टीचिंग एड्स एक्टिविटीज़ एंड इक्विपमेंट्स टीचिंग एड्स एक्टिविटीज एंड इक्विपमेंट यूज करेगा ठीक है फिर आता है सिलेक्शन ऑफ इवेल्यूशन डिवाइस फिर अब जब हमने पढ़ा दिया तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप बचता है टेस्ट का उसे इवेल्युएट करने का इन दिस वी केम टू नो वेदर द ऑब्जेक्टिव आर और नॉट ये किस लिए होता है ये देखने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था वहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया था क्या वो अचीव हो पाया जो हमने अभी सेकेंड स्टेप क्या होता है कंटेंट एनालिसिस के बाद फ्रेमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने बनाया था क्या वो अचीव हो पाया ये देखने के लिए हम इवेल्यूएशन डिवाइस का यूज़ करेंगे ठीक है द आउटकम आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ़ इवेलुएशन डिवाइज सो द सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इवेलुएशन डिवाइज इन द फॉर्म ऑफ ओरल रिटर्न और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन रिलेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ टॉपिक ठीक है तो कई फॉर्म ऑफ इवेल्यूएशन हो सकते हैं ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है प्रैक्टिकल भी हो सकता है और उसके हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया था वो अचीव हो पाया या नहीं ओके okay. तो बहुत सारे वैल्यूशन मेथड्स हैं ना, uh, जैसे कि ओरली वो ले सकते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ले सकते हैं ओके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ओके तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की सो स्टेप ऑफ फेडोगोजिकल एनालिसिस कैन इन्वॉल्व डिवाइडिंग कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड यूनिट इंटू सुटेबल सब यूनिट्स ओके

Uh, उस कंटेंट की टॉपिक को लिखेंगे कि हाँ आज का ये जो कंटेंट उसमें मेन क्या पढ़ाया जा रहा है देन उसको सब यूनिट को और प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ज्वाइन करेंगे मिलाएंगे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं चलो वॉलैनो ही पढ़ा रहे हैं तो हमारे उस पर हम पहले तो उसे पूछेंगे कि आपने कभी वॉलकैनो देखा है या नहीं या वॉलकैनो छोड़ो हम पहले ये पूछेंगे आपने कुछ ऐसे डिजास्टर्स चीज़ देखी है या नहीं मतलब प्रीवियस नॉलेज से उन्हें कनेक्ट करेंगे ताकि उस चीज़ों को वो आसानी से समझ सके ठीक है उसके बाद राइटिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टू बी सेलेक्टेड फॉर द सब यूनिट हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखना है उसका

फिर हम क्या क्या क्वेश्चन बीच में कर सकते हैं वो लिखेंगे फिर वर्कशीट उसकी तैयार करेंगे देन राइटिंग क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट फॉर द सेम और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बनाएंगे मीन से वैल्यूशन मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि ये चेक कर सकें कि ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ है या नहीं ओके okay, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकता है ओके okay, तो ये था आज का हमारा क्लास uh, तो थैंक यू और अगर आपको मेरी ये टीचिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच